कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोर्ट में अपने लिखित बयान में ईडी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर बिना किसी पर्याप्त सबूत के आरोप लगाने की धृष्टता की गई है और ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की। इससे यह साबित हो जाता है कि ईडी ने मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के षड्यंत्र करके विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए लेने का तथा कथित रूप से आरोप लगाया था। अब बड़ी बेशर्मी पूर्वक इस प्रेस नोट को जारी करने के बाद ईडी ने अपने उस अंग्रेजी भाषा में जारी किए प्रेस नोट में आखिरी में लिखा था, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, अर्थात यह जाँच का विषय है। आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर में कथित बयान के आधार पर आरोप लगा दिया, उसके बाद बता दिया कि यह जांच का विषय है। मतलब आपने कीचड़ फेंक दिया और उसके बाद में स्टार लगाकर डिक्लेरेशन जारी कर दिया। जिस असीम दत्ता के बयान के आधार पर ईडी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की धृष्टता की, इसलिए कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर में बिना किसी पर्याप्त सबूत के प्रेस नोट जारी करके आरोप लगाए तो धृष्टता की श्रेणी में आता है। आपने आरोप लगाने की धृष्टता की, उस असीम दत्ता ने